नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। अब तक आप दिल्ली की शाहीन बाग जैसी चर्चाएं सुनी होगी। दिल्ली में शाहीन बाग के महिलाओं के साथ किस तरह से बर्बरता किया जा रहा था, जिसकी वीडियो वहां के लोग सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा रहे थे। आप और हम सुनते रहे हैं, सब देखते रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग के तर्ज पर मुंबई के नागपाड़ा शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर। आज तड़के सुबह में जो हुआ, पुलिस ने किस तरह से महिलाओं के साथ बर्ताव की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रही है। प्रदर्शनकारी महिलाओं की माने तो सुबह के 5:30 बज रहे थे। नागपाड़ा शाहीन बाग के महिलाओं ने धूप से बचने के लिए शेड डाल रहे थे और उसी दौरान दो पुलिस पहुंची और उनका शेड खोलने लगी, लेकिन वहां पर मौजूद महिलाओं ने डाले हुए शेड पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे और पुलिस वाले अपनी ओर खींचने लगे। यही वजह थी कि जिसके बाद शेड की खींचातानी में मामला गंभीर हो गया। और महिलाओं का कहना है, बिना नाम प्लेट के आए दो पुलिसकर्मी ने महिलाओं को लात से मारा। 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं और 1 महिला जो है वो ICU में एडमिट है। और दोनों पुलिसकर्मियों के साथ में जो नेम प्लेट नहीं थे जिनके, और उन्हीं के साथ जो है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI वो शालिनी शर्मा भी मौजूद थे, जिसको लेकर आज नागपाड़ा जंक्शन पर जुम्मा बाद घेराव किया गया। हजारों लोग जमा हुए। हमारे सहयोगी सबिया हुसैन शेख ने क्या बातचीत की है प्रदर्शनकारियों से, सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रहार टाइम से मैं सबिया हुसैन शेख। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के नागपाड़ा परिसर में। यहाँ पे जो शाहीन बाग था, यहाँ पे कुछ मसले हुए हैं, कुछ हरकत हुई पुलिस वालों की। आइए, यहाँ कुछ लोग मौजूद है, क्या हुआ इनके साथ, आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या और क्या हुआ यहाँ पे? जी, मैं बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी बताना चाहूंगा। और यहाँ पे जो है चक्का जाम किया गया है, जो शालिनी शर्मा ने जो सुबह के टाइम पे 5:15 के बीच जो हुई है मुंबई पुलिस की, जो हरकत की है बहुत ही घिनौनी हरकत की, बहुत ही गिरी हुई हरकत की है कि औरतों पे हाथ उठाना है, जो कि बिल्कुल गलत है। और उसको जो है औरतों को चोट आई, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, नायर हॉस्पिटल में आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे एडमिट है। और कितनों के हाथ पैर टूट गए हैं, कितनों के हिप्स पे हाथ लगाया गया, गलत गलत जगहों पे हाथ लगाया गया, जो कि जिसको हम टोटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको कंडेम कर रहे हैं और यहाँ पे जो है आज उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब तक हम पीसफुली प्रोटेस्ट करते आ रहे थे, आप देखते होंगे, आपने चैनल अगर वहाँ विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा 39 डे है अब तक हमने हमेशा पीसफुली प्रोटेस्ट किया है। हर एक चीज को शालिनी शर्मा जी की, माननीय शालिनी शर्मा जी जो आपकी हैं, उनके हर एक चीज को हमने वहाँ पे टॉलरेट किया। आज सुबह क्या हुआ ये आप बता सकते हो? जी, आज सुबह जो है शेड लगाया गया था वहाँ पे, क्योंकि एक औरत जो है कल के दिन जो है 4 तारीख के दिन जो है वहाँ पे बेहोश हो गई थी, जो की डायरेक्ट सनरेज पड़ा आप पता। फिर उसके बाद जो है शाम में उसमें रात के टाइम पे शेड लगा हटाने की कोशिश किया, जब मौजूदगी में सब थे वहाँ पे तो उन लोगों ने नहीं हटाया, फिर क्योंकि वहाँ पे आदमी लोग वहाँ पे मौजूद थे, इसके लिए उन्होंने फिर 5:15 के टाइम पे जब आदमी कम हो गए थे, औरतों की भी तादाद काफी कम हो गई थी, वो टाइम पे आके जो है काफी बुजुर्ग औरतें वो टाइम पे बैठी होती हैं, वो टाइम पे आके उन्होंने शेड उतारने की कोशिश की। उसमें औरतों ने जो है एक तरफ अपना शेड रुकाने की कोशिश, बचाने की कोशिश की, तो उसमें जो है औरतों आदमियों ने मेल कांस्टेबल्स ने आके उन पे अटैक किया, उनको धक्का दिया, उनको चोट आई, कितने को चोट आई वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और फिर उसके बाद भी जब वहां पे शालिनी शर्मा से जो है अपील की जा रही थी, उनको नायर हॉस्पिटल लेके जाया गया और जब भी हॉस्पिटल एम्बुलेंस की बुलाने गया तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो बात लोगों से मैंने सुना है वो मैं बोलूंगा कि वो जो है मरते हैं तो मरने दो, ऐसा कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिया। और उन्होंने बिल्कुल हंस के और उस तरह से उनके जो मेल कांस्टेबल्स थे और महिला कांस्टेबल्स थे, बच्चे कुछ लग रहा है, इन लोग खड़ी बस मार रहे, हटा रहे, इन लोग कुछ ये नहीं था कि इन लोग बस सेव करे औरतें, लोगों से कैसे हाथ लगाता है, कैसे बोला जाता है, कोई एक तरीका होता है कि औरतों को कैसे अपना हैंडल करना है, लोग हैंडल नहीं किया, इन लोग जितना छीन रहे उन लोग, मतलब ये औरतें आना चाहिए। ये सुबह जब पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किए तो कितने बजे का टाइम था? ये सुबह 5:05 का टाइमिंग था और ये 5:35 के चालू रहा था, ये 5:35 में चालू रहा था, जब और 3 औरतें अभी एडमिट है, जिसमें 2 दम है इंजर्ड है और 1 इन ICU में, आप ये चीज जाके वहाँ पर देख सकते हैं। अब हम पहुंचे हैं मुंबई शाहीन बाग में, आप देख सकते हैं कितने भारी तादाद से यहाँ महिलाएं मौजूद है शाहीन बाग में। यहाँ पे सुबह के वक्त क्या हुआ, हमारे साथ यहीं पे चश्मदीद गवाह यहाँ पे है, आइए उनसे बात करते हैं, क्या हुआ था सुबह के वक्त आप बता सकते हो? ये सुबह का बैठे थे, ये रास्ते शुरू हुआ था। सबसे पहली बात, ये यहाँ का जो प्रोटेस्ट चल रहा है 26 जनवरी से, उस दिन से लेकर आज दिन तक हमारी जो औरतें हैं वो एकदम शांति से प्रोटेस्ट कर रही है, गांधी जी के राह पे प्रोटेस्ट कर रही है, सत्याग्रह कर रही है।
रात को 5:15 बजे शालिनी मैडम 5 कांस्टेबल जेंट्स और बाकी जो लेडीज थी उनके साथ आई। उसमें से 2 कांस्टेबल जो एक वर्दी में था और एक सिविल ड्रेस में था वो अंदर आए और एक लड़की थी उसका दुपट्टा खींच के उसको पीछे किया गया। जैसा उसने ये हरकत की यहाँ की पब्लिक भड़क गई। उन्होंने बोला ये कांस्टेबल अंदर आया कैसे, हमारे लड़की को हाथ लगाया कैसे। उसी पीरियड में उन्होंने जो औरतें बैठी थी उनके नीचे की सतरंजी खींच ली और वो औरतों को उठा उठा के गिराया और वो पुलिस कांस्टेबल जो लेडीज़ लोग थी उनके पैर सब वो 32-36 औरतों के ऊपर लगे हुए थे और 2 पुलिस ने यहाँ पर औरतों को लात मारी है। उस चक्कर में 2 औरतें यहाँ पर बेहोश हुई। लेकिन यहाँ की जो शालिनी शर्मा करके सीनियर पीआर है वो जब भी आती है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करती है, जबकि उसका सोचना उसको चाहिए कि वो कैसा, तो वो हमसे एक्सपेक्टेशन करती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर ख़राब कर रहे हैं, जबकि वो आने से ही सब चीज़ें होती हैं। ये उन्होंने जानबूझकर ये किया ताकि हम चीज़ों को आगे ना बढ़ाएं, ये जो हम फैसिलिटी ले रहे हैं वो न ले, इधर माइक का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि आए दिन से उन्होंने हमारी ये सब चीज़ें जमा की है जो हम हमारे लिए लाते हैं। तो जो हरकत थी उनकी बहुत भयानक थी और एक लेडीज़ ऑफिसर का काम है कि वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए आई है तो औरतों का प्रोटेक्शन करें, लेकिन उसने औरतों का प्रोटेक्शन न करते हुए 2 चेज को अंदर छोड़ा और वो आप भी लोगों से औरतों को मार खिलवाई। आपको जो भी ऐसा महसूस होता हो कि आपके साथ ज्यादती हुई, आप एक उस पर कागज़ पे लिख के और साथ में कह रहे हैं कि आपके पास वीडियो है, रेडी है, रेडी, ठीक है, आप वो हमको दे दीजिए, हम आपको चिट्ठी देते हैं कि आपने जिन जिन का नाम लिया है उनके खिलाफ हम लोग चौकसी करेंगे। मैं चिट्ठी यहाँ दिखाऊंगा सबके बीच में। जी अब आप सर, अभी मैं एक बात बोलती हूँ सर, जब वो लोग आए हमारे ऊपर हमला करने के लिए तब उन्होंने अपना नाम नहीं बताया था, अपना नाम नहीं बताया था, पहचान नहीं बताई थी। हमारे जब हमारे ऊपर हाथ उठाया गया तब हमारे लोग वहाँ मौजूद नहीं थे, ठीक है, मैं मानता हूँ, तब हमारे लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। जब हम चाहते हैं कि उसका फैसला अभी हो, हमारे सामने हो, वो फैसला तो उसने लाठी चार्ज का हमारे ऊपर ताबड़तोब ली थी, तो ये फैसले के लिए लेट क्यों हो रहा है? ये फैसले के लिए लेट क्यों हो रहा है? ये फैसला अब भी चाहिए हम लोगों को? आज तक हमारे घर की औरतों पे हम लोगों ने ये अत्याचार कभी बर्दाश्त नहीं किए, तो ये जब सारे आम होगा सबके सामने तो हम कैसा बर्दाश्त करेंगे ये चीज को? आप लोग बिल्कुल सेफ रहेंगी, आप लोग बिल्कुल, आप लोग शिकायत नहीं देंगे तो हम फिर एक्शन कैसे लेंगे? आज तक ये कभी हुआ? आज कितने दिन से प्रोटेस्ट चालू है लेकिन आज तक कभी ये माहौल नहीं हुआ? हमारी लेडीज पे हाथ उठाया गया इसीलिए ये माहौल क्रिएट हुआ? शाहीन बाग बनाया जा रहा है? बिल्कुल शाहीन बाग नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा शाहीन बाग, ये हमारा बम्बई है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे? बिल्कुल करेंगे, तो हम पब्लिक यहाँ से हटने वाली नहीं है। आप शिकायत दीजिए लिख के, उसके अंदर आपके पास जैसे आपका बोलना है कि वहाँ पे 100 लोग थे, 50 थे, लेकिन आपको केवल एक का नाम पता है, आप उसका नाम दें, उसके साथ कौन कौन था उसको हम लाएंगे तलाश के। अरे उसको छोड़ के भी और लोग हैं ना, वो जो कह रही है पूरा बंद है भाई। आपने कुछ कहा तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप हमको चिट्ठी दें, हम आपको चिट्ठी पे आश्वासन के साथ कि ये कार्रवाई होगी, बस उसके बाद खाली करें। जी अब आप चिट्ठी दें, कितना दिन लगेगा? हम तो कह रहे हैं चिट्ठी दीजिए, हम आपको देते हैं चिट्ठी। सर व्हाट इज द टाइम फ्रेम? आपकी चिट्ठी दीजिए, टाइम फ्रेम क्या है? टाइम फ्रेम अभी दीजिए, हम टाइम फ्रेम क्या, हम आपको अभी चिट्ठी देते हैं। फिरोज भाई, अभी जो DCP मिश्रा सर आए थे उन्होंने क्या कहा, जो सुबह 5:30 बजे बिना मतलब वर्दी पहने पुलिस ऑफिसर बन के और बिना बैच के महिलाओं पे जिस तरह लाठी चार्ज किए उस पर आप क्या कहोगे? उसका सभी ने खंडन किया है। क्या बम्बई को दिल बनाना चाहते लोग, क्या करना चाहते? मुंबई बाग पीसफुली चल रहा है, ये अकेला भागे पूरे देश में सबसे अमीर शहर में सबसे गरीब भाग हमारा है, छत नहीं हमारे सिर के ऊपर, और उसके बावजूद लगातार बम्बई की धूप में औरतें सुबह से दोपहर तक बैठी रहती है। हमने इतना बोला था छत दे दो, हमें पंडाल नहीं चाहिए, हमारे पास मेगाफोन नहीं है, माइक तो दूर की बात है, मेगाफोन लाते वो भी छीन के लेके जाती है। और वो आज तो हद हो गई, जिस किस्म की गालियाँ गई, औरतों को लात मारा गया, उनके छाती पे लात मारा गया है, आज तो हद हो गई।
इसलिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। ये पुलिस अफसर शालिनी शर्मा सीनियर इंस्पेक्टर सस्पेंड होनी चाहिए और जब तक वो सस्पेंड नहीं होगी ये आंदोलन जारी रहेगा। तो बाइकला पुलिस स्टेशन में, क्योंकि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में हमको भरोसा नहीं है, बाइकला पुलिस स्टेशन में जिन जिन औरतों को नायर हॉस्पिटल पर जो मेडिकल बना वो सब वहाँ कंप्लेंट हो रही है। एडवोकेट यशविन वहाँ है और वो 7 औरतें वहाँ हैं। ऐसी 38 औरतें हैं जिनके कंप्लेंट उससे ज़्यादा ही औरतें हैं, मगर 38 औरतों के स्टेटमेंट्स हमारे पास है। तो पूरा लिखा पढ़ी के साथ, पूरा प्रूफ के साथ, एक एक आई विटनेस के साथ हम लोग इनके खिलाफ कंप्लेंट दे रहे हैं और हमारा बोलना है कि ये सस्पेंड होगी। अगर ये सस्पेंड नहीं होगा तो आंदोलन फिर से नागपाड़ी भाई का रस्ता रोको होगा। तो सुना आपने फिरोज भाई ने क्या कहा और पुलिस वालों की किस तरीके से लाठी चार्ज हो रही थी बिना वर्दी पहने पुलिस की, बिना बैच लगे हुए पुलिस वाले आके सुबह सुबह यहाँ की शाहीन बाग की मतलब महिलाओं पे किस तरह से लाठी चार्ज की गई और उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया। तो आपने सुना प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं। जुम्मा बाद लोग जो है नागपाड़ा जंक्शन पर जमा हुए, जिसके बाद मुंबई पुलिस के एडिशनल कमिश्नर जो है वहां पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से महिलाओं से बात की और उन्हें आश्वासन दिया जो आपकी मांग है, जो आपके साथ बर्बरता किया है उन पर हम एक्शन लेंगे। महिलाओं ने लिखित में पुलिस को पत्र लिखा है, जो शाहीन बाग में बैठी हुई महिलाएं हैं वो लोग जो है एक पत्र लिखा है। सीनियर पुलिस ऑफिसर शैलिनी शर्मा ने आज सुबह 5:30 बजे मुंबई शाहीन बाग में महिलाओं पर मारहानि किया है। नागपाड़ा पुलिस, मुझे बहुत खेत के साथ कहना पड़ता है कि शैलिनी शर्मा पिछले 1 महीने से महिलाओं को बहुत परेशान कर रही हैं, धमका रही हैं। आज उनके कहने पर सुबह कुछ पुरुष ऑफिसर यूनिफॉर्म में आकर महिलाओं पर मारहानि किया, जिन्हें चोट लगी है उन्हें नायर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। इस तरह से लिखित शिकायत नागपाड़ा शाहीन बाग ने पुलिस से की है। बहरहाल पुलिस ने उन महिलाओं से बात की और फिर जाकर नागपाड़ा जंक्शन का घेराव खत्म हुआ। लेकिन जो है एडिशनल कमिश्नर ने ये कहा है कि जो शैलिनी शर्मा है उन पर एक्शन लेंगे, उन पर FIR दर्ज होगा और भी जो पुलिस वाले हैं जो महिलाओं के साथ जो है बर्बरता किया है, मारपीट किया है, उनके खिलाफ जो है एक्शन लेंगे। फिलहाल जो है वहाँ महिलाओं की जो मांग है वो FIR दर्ज करने की मांग है, लेकिन पुलिस ने इसे जो है कहा है कि हम जल्द ही FIR दर्ज करेंगे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहें प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।